तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के एक्सप्लेनेशन में, जो कि होने वाला है 2012 में रिलीज हुई एक मूवी पर, जिसका नाम है हाउस एट द एंड ऑफ द स्ट्रीट। दोस्तों, ये एक हॉरर थ्रिलर मूवी है और इसकी आईएमडीबी रेटिंग है 5.6 आउट ऑफ 10। दोस्तों, एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय डीजू एप्लीकेशन। अगर आप मेरे ही तरह मूवीज एंड वेब सीरीज के शौकीन हैं, तो आप इस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। आपको यहाँ हर तरीके की लेटेस्ट मूवीज जैसे हॉरर, साईफाई, फैंटेसी मिल जाएगी और आप उसे सिर्फ वन क्लिक में डाउनलोड कर सकते हैं, और वो भी फ्री में। द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, गो एंड डाउनलोड द ऐप नाउ। तो बिना वक्त गवाए सीधा चलते हैं वीडियो की तरफ। मूवी की शुरुआत में हमें कैरी एन नाम की एक लड़की दिखाई जाती है, जिसका ब्रेन डैमेज हो चुका था और उसकी आंखें नीली थी। एक तूफानी रात में कैरी एन जेकबसन घर के एक कॉरिडोर से चलकर अपने माँ बाप के कमरे की तरफ बढ़ रही थी। तभी उसके हाथ से एक क्लैंप गिरता है और उसके माँ बाप उड़ जाते हैं। कैरी एन की माँ उसे बोलती है कि वापस बेड पर सो जाओ, और लैंप उठाने के लिए जब वो नीचे झुकती है तो कैरी एन एक हथौड़े से अपनी माँ को बहुत बार मारकर उसे मार देती है। कैरी के पिता को भनक लग जाती है कि कुछ बुरा हुआ है, और तभी कैरी एन आकर उसके पिता को भी मार डालती है उस हथौड़े से, और फिर जंगल में भाग जाती है। फिर कहानी 4 साल बाद की हमें दिखाई जाती है, जहां एलिसा कैसिडी और उसकी माँ मिसेस सैरा कैसिडी एक घर में रहने आते हैं, और उनका घर जेकबसन के घर के साइड में ही था। जेकबसन वही है जिनका मर्डर उनकी ही बेटी कैरी एन के जरिए हुआ था। वहां पर रहने के लिए उन्हें बहुत ही कम किराया देना पड़ रहा था उस घर की वजह से, और पूरे मोहल्ले की प्राइस भी उसी घर की वजह से घट गई थी। उस रात सैरा कैसिडी को रात में जेकबसन के घर का लाइट जलता हुआ दिखता है, और ये देखकर कैसिडी थोड़ा डर जाती है। अगले दिन पड़ोसियों से मिलने पर सैरा पूछती है कि वहाँ उस घर में कौन रहता है, तो वो पड़ोसी बोलता है कि वहाँ कैरी एन का भाई, जो मर्डर के समय वहाँ पर नहीं था, वो रहता है। उसका नाम है रायन। एलिसा को एक नया फ्रेंड मिल जाता है जिसका नाम होता है टाइलर। टाइलर लंच के वक्त एलिसा को बोलता है कि कैरी एन मर्डर करने के बाद जंगल में भाग गई थी, और तब से ऐसा मानते हैं कि वो अब भी वुड्स में घूमती है। शाम को घर आते वक्त एलिसा को ऐसा लगता है कि उसे कोई देख रहा है जंगल के अंदर से, और वो बात भी सही थी। अगले सुबह स्कूल में टाइलर एलिसा को रात में पार्टी के लिए पूछता है, और एलिसा मान जाती है। पार्टी में कुछ देर सब एंजॉय करते हैं, और जब एलिसा फ्रेश होने के लिए एक रूम में जाती है तो टाइलर उसके साथ जबरदस्ती करता है, और गुस्सा होकर एलिसा पार्टी से निकल जाती है। रास्ते में उसे रायन जेकबसन लिफ्ट देता है। पहले तो एलिसा मना करती है, पर बारिश शुरू होने के कारण वो गाड़ी में बैठ जाती है। रायन एक अच्छा लड़का दिखाया गया है जो कि अकेला और गुमसुम था। एलिसा के पूछने पर रायन बोलता है कि वो उस घर में इसीलिए रह रहा है क्योंकि उसके पास रहने के लिए और कोई जगह नहीं है, और उसके पास इतने पैसे भी नहीं है कि वो नया घर खरीद पाए, और वो कुछ दिनों के बाद घर की मरम्मत करके उसे बेच देगा और वहां से चला जाएगा। जब एलिसा घर पहुंचती है तब सैरा को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं थी कि एलिसा रायन से बात करे, पर वो कुछ नहीं कहती। मीनवाइल रायन पर स्टोरी फोकस होती है, जो खाना बनाकर एक सीक्रेट तहखाने में ले जाता है, और नीचे जाने पर जब वो दरवाजा खोलता है, एक लड़की उस पर हमला कर देती है, और वो लड़की कोई और नहीं कैरी एन थी। रायन किसी तरह कैरी एन को संभालता है और उसे इंजेक्शन देकर बेहोश करता है, और तहखाना फिर से लॉक करके वहां से चला जाता है। अगले दिन सैरा पुलिस ऑफिसर बिल को रायन के बारे में पूछती है, पर बिल बोलता है कि वो बहुत अच्छा लड़का है और उसने काफी बुरे दिन देखे हैं। उसी दिन एलिसा रायन से मिलती है, तब रायन कैरी एन की स्टोरी बोलता है। जब वो छोटे थे तब खेलते वक्त रायन पर कैरी का ध्यान रखने की जिम्मेदारी थी, पर झूले पर कैरी एन बहुत ज्यादा ऊपर चली गई और वहां से गिर गई। उसका ब्रेन डैमेज हुआ और उसके घर वालों को उस समय ड्रग्स की लत लग गई थी, और जब तक वो पहुंचते कैरी की हालत खराब हो गई थी और उसका ब्रेन पूरी तरीके से डैमेज हो गया। रायन उसी रात एलिसा के जाने पर नीचे सीक्रेट तहखाने में कैरी एन को खाना देने जाता है, और पुरानी बातें याद करते करते उस तहखाने का डोर लॉक करना भूल जाता है। तो कुछ देर बाद ही मौका देखकर कैरी घर से भाग जाती है और एलिसा के घर की तरफ बढ़ती है, पर वो एलिसा के घर में घुस पाती उससे पहले ही रायन उसे पकड़ लेता है और फिर से घर में बंद कर देता है। अगली रात रायन को सारा डिनर पर बुलाती है और एलिसा से दूर रहने बोलती है, और उसे बेइज्जत करके घर से बाहर निकाल देती है। एक और बार फिर से सेम चीज होती है। एलिसा रायन से मिलती है, शाम को फिर से मौका देखकर कैरी एन भाग जाती है, और इस बार वो रैंडम कार वाले पर हमला करती है, पर इससे पहले कि वो उस पर हमला करे वो अचानक से गायब हो जाती है। रायन उसे दबोच लेता है, और दबोचने पर कुछ देर बाद जब वो उसे छोड़ता है तब तक वो मर चुकी थी। कैरी की लाश को रायन ठिकाने लगाता है। बाद में उसे कॉफी शॉप में एक लड़की मिलती है जिसे वो बहुत गुस्से से देख रहा था,
और इस लड़की को ध्यान में रखना क्योंकि आगे इसके बारे में हमें कुछ पता चलेगा। अगली रात एक सिंगिंग शो में टाइलर और उसके दोस्त रायन की गाड़ी के कांच तोड़ देते हैं और उसे भी मारने लगते हैं, पर रायन अचानक से गुस्सा होकर टाइलर की टांग तोड़ देता है और टाइलर हमेशा के लिए अपाहिज हो जाता है। गुस्से में आकर टाइलर के दोस्त रायन के घर में आग लगा देते हैं, पर एन वक्त पर एलिसा वहां पर आती है और आग बुझा देती है। तो ओवरऑल अब तक तो ऐसा लग रहा था कि रायन जेकबसन बहुत अच्छा बंदा है और उसके लाइफ में सिर्फ और सिर्फ मुश्किलें ही हैं। लेकिन कहानी में अब ट्विस्ट आने वाला है। एलिसा जब आग बुझाती है तो उसे उसकी माँ सैरा का फोन आता है, पर वो ये बोलती है कि वो घर पर ही है। सैरा को उसकी बात पर भरोसा नहीं था और वो ऑफिसर बिल को रायन के घर में भेजती है। तब तक एलिसा को उस तहखाने का पता चल जाता है और जब वो उस तहखाने में जाती है तो कैरी एन उस पर हमला करती है। पर सवाल ये था कि कैरी एन तो मर गई थी, तो वो लड़की कौन थी जिसने एलिसा पर हमला किया? वो और कोई नहीं, वो कैफे वाली लड़की थी जिसके पास रायन गुस्से से देख रहा था। यानी कि रायन एक साइको था जो कि उस लड़की और कई और लड़कियों को बंदी बनाकर उन्हें कैरी एन समझता था। कैरी एन असलियत में तो बचपन में ही मर गई थी जब उसका एक्सीडेंट हुआ था उस झूले पर से गिरकर। रायन वहां आता है और बोलता है कि वो दो दो कैरी एन को नहीं संभाल सकता और वो उस कैफे वाली लड़की को मारकर गाड़ी के डिक्की में छुपा देता है और एलिसा को पकड़ लेता है। रायन उस पुलिस ऑफिसर को भी मार देता है जब वो उसके घर आता है। पहले पुलिस ऑफिसर बिल को शक नहीं होता है, पर जब वो कॉल करता है एलिसा के फोन पर तो रिंग बजती है रायन के घर से, और जब पुलिस ऑफिसर गन लेके घर में जाता है तो रायन ऑफिसर को चाकू से मार देता है। जब बहुत देर कुछ पता नहीं चलता तो सैरा रायन के घर जाती है। तब तक रायन एलिसा को उसी गाड़ी के डिक्की में बंद करता है जहां उस कैफे वाली लड़की की लाश को भी बंद किया हुआ था। रायन सैरा को भी चाकू से मार देता है और ऐसा समझता है कि सैरा मर गई। एलिसा डिक्की से निकलकर उस ऑफिसर की गन लेती है, पर रायन लाइट्स ऑफ कर देता है। पर टॉर्च ऑन करते ही एलिसा देखती है कि रायन एक चाकू लेकर उसकी तरफ बढ़ रहा है, तो वो उस पर फायर कर देती है और उसके पास जाती है। उसे लगता है कि रायन मर गया, लेकिन रायन अचानक से उठकर एलिसा को मारने ही वाला होता है कि सैरा वहां आकर रायन की सर पर हथौड़ा मार देती है और उसे बेहोश कर देती है। अगले कुछ दिनों में सैरा और एलिसा वो घर छोड़कर चले जाते हैं और रायन जेल में अपनी बचपन की बात याद करता है कि कैसे उसके माता पिता कैरी एन के मौत के बाद उसको टॉर्चर करते थे और उसे लड़कियों के कपड़े पहनाकर उसे कैरी एन नाम से बुलाते थे। यानी मूवी की शुरुआत में जो दो लोगों को यानी रायन के माता पिता को कैरी ने नहीं, खुद रायन ने ही मारा था क्योंकि वो उनके टॉर्चर से तंग आ गया था और साइको हो गया था। तो दोस्तों ये थी हाउस एट द एंड ऑफ द स्ट्रीट मूवी की डिटेल एक्सप्लेनेशन। आई होप कि आपको ये पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा दें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।